तो दोस्तों आज भारत के लिए अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और पहली बार अमेरिका भारत को अपनी परमाणु तकनीक देने को तैयार हो गया है। दरअसल आप सभी को पता है कि अमेरिका बहुत दिनों से कहता आ रहा है कि हम भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त और रणनीतिक साझेदार मानते हैं। अब भारत ने सोचा कि क्यों ना अमेरिका की दोस्ती की परीक्षा ली जाए। तो आज से लगभग 2-3 दिन पहले भारत ने ऑफिशियली तौर पर अमेरिका से कहा कि यदि तुम हमें अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो अपने एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ साझा करो और हम दोनों मिलकर इस एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत के अंदर बनाएंगे और यहीं से तुम और हम मिलकर इस रिएक्टर को दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस रिएक्टर का उत्पादन भी कर लेंगे। अब आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो यह साइज में काफी ज्यादा छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है और अमेरिका ने खुद इसको अभी से लगभग 2-3 साल पहले ही डेवलप किया है और इसके माध्यम से बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में जो खर्चा आता है उसके खर्चे को आधा कर सकते हैं और इससे काम करना बेहद ही आसान होता है। और भारत के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि अमेरिका एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने को तैयार हो गया है। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें भारत के अधिकारियों ने खुद बताया है कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा उत्सुक है कि एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो हम भारत को ट्रांसफर कर दें और यदि ऐसा हो जाता है तो भारत की ऊर्जा की आवश्यकता बहुत सालों के लिए एक ही बार में समाप्त हो जाएगी। पर आप सभी को क्या लगता है, और यदि अमेरिका हमें इस तकनीक को पूरी तरीका से दे देता है तो क्या भारत को अमेरिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।